किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाही किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है, जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस बहस का कोई अंत नहीं, उस बहस का कोई कोना नहीं, उसके कोई छोर नहीं, और आप ऐसी बहस भी जीतना चाह रहे हो? अभी अहंकार से पूरे भरे हुए हो। बॉर्डर पे तो वो लड़ रहे हैं भारत पाकिस्तान, संसद में लड़ रही है पार्टियां, और ये घर में लड़ रहे हैं। तू कांग्रेस ही, मैं बीजेपी, तू आप, मैं ये, साला तेरे को जीत के रहूंगा मैं। अरे तू, तेरा टिकट कौन सा है? तेरा चिन्ह कौन सा है? तेरे, तुम क्यों लड़ रहे हो? नहीं सुन, अगर वो बहस जीतना चाह रहे हो जिसका कोई छोर नहीं है, अभी तक तो बाकी है। एक गांव था, साधु, एक साधु गांव के मेन रास्ते पे बैठा था। अचानक काली सी आंधी आई तो उसने पूछा, तू कौन? कि मैं मौत। अरे बाप रे, क्या लेने आई है? कि मुझे 10,000 लोगों की जरूरत है। अच्छा ठीक है, कि 7 दिन रुकूंगी, 10,000 लोगों को लेके जाऊंगी। 3 दिन हुए और 40,000 तो निपट गए। 3 ही दिन हुए, 40,000 निकल लिए। बाबा को टेंशन हो रही है, 7 दिन के लिए बोला था और 10,000 बोला था, 3 दिन में निपट लिए 40,000। जब वापस जा रही थी तो 75,000 को लेके जा रही थी, तो उसने पूछा, रुक रुक रुक, तूने बोला था 10,000 लेके जाऊंगी, तू 75,000 लेके जा रही है, तेरा क्या है, कोई वादा है तेरा ये? अरे कि मैंने तो 10,000 ही लिए, बाकी तो मेरे पैसे ही निपट गए साले। नहीं समझ में आया? अभी आपको भी भय लग रहा है कोई ना कोई। इतने मौत से नहीं मरे जितने मौत के भय से मरे। अगर जिंदगी में आप अपनी जीवन को पूछ पूछ के काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे, और नहीं पूछने में मर्दानगी समझोगे, बहुत जिंदगी में लोगों से पीछे रह जाओगे, बहुत लोगों से पीछे रह जाओगे। जो बात नहीं आए और क्लास में टीचर से नहीं पूछा, वो बच्चा कभी जीवन में कामयाब हो सकता है? और आप खुद अपने अंतरात्मा से बता दो, जो बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा टीचर से पूछता है, वो कामयाब होता है कि नहीं होता है? अरे जीवन में पूछ, वो जानकारियां इकट्ठी करो जो आपको ये समझाए कि तू गलत है, तेरी ये गलती है। मैं वो जानकारियां इकट्ठी करता हूं, अब मेरी वो ताकत लगी हुई है, क्योंकि जिस जगह पे आप पहुंच जाते हो ना एक ऊंचाइयों के बाद, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप गलत हो। सब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले मिलेंगे, सब सेल्फी लेने वाले मिलेंगे, सब आओ सर, वाह सर, मजा आ गया सर, जबरदस्त सर, ये आपके लिए फायदा लेकिन मेरे लिए नुकसान है। क्यों साला, मैं तो सांप बन गया, ऐसा एटीट्यूड पैदा होता है। वो जानकारियों की तलाश करो जो आपको कहे तू कहां कहां गलत है। 556 इंच का सीना चाहिए खुद को गलत साबित करने वाली जानकारियों को ढूंढना। मैं क्या कह रहा हूं, ये बात आपको हल्की लग रही है क्या? मैं आपको ये कह रहा हूं, गांव में जब ताश खेलते हैं ना लोग, तो जिसके पास इक्का बादशाह, बेगम, गुलाम सब कलर आ गया, तो अचानक प्रवचन देता, और भाई ईमानदारी, ओए कोई देखेगा नहीं, अचानक उपदेश चालू करता है। अरे ये उपदेश तो दुर्री तिर्री चौगी पंजी आए तब भी मारे तब माने, तेरा एटीट्यूड और तेरा कैरेक्टर बिल्ड होता है। अच्छे वक्त पे तो कुत्ते भी पॉजिटिव रह जाते हैं, अच्छे वक्त पे तो कोई ढोल नगाड़े बजा ले। असली मस्कुलिन नेचर मर्द वो है जो बुरे वक्त पे पॉजिटिव रह के बताए, जो बुरे वक्त पे छक्के लगा के बताए, जो बुरे वक्त पे बाउंस बैक करके दिखाए, वो है असली एटीट्यूड, वो है असली मर्दानगी। पूरी दुनिया में मर्दानगी की अधूरी परिभाषाएं चल रही है।